नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देखिए संवाददाता संतोष साहिवाल की खास रिपोर्ट। कहते हैं कि जब खुद के घर कांच के बने होते हैं तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते, लेकिन जनाब ये पंक्तियां भी सियासत की दुनिया में लागू नहीं होती। भाजपा खुद अपने घर में अंतर कलह से जूझ रही है, लेकिन भाजपा नेता लगातार पायलट गहलोत के सियासी वर्चस्व की जंग में तंज कस रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी नेताओं का अजब गजब पायलट प्रेम देखने को मिला। दरअसल भाजपा नेता लगातार पायलट की फिक्र और चिंता करते नजर आ रहे हैं। भले ही ये जुआनी चिंता हो और लगातार कई बीजेपी नेता खुलकर सोशल मीडिया और मीडिया में ये बातें कहते रहे हैं कि दरअसल अभी हाल ही में मुख्यमंत्री गहलोत के आर्थिक सलाहकार अरविंद मायाराम ने पायलट पर एक कार्टून के जरिए तंज कसा। तब उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ खुलकर सामने आए और उन्होंने पायलट का बचाव किया और गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम के आर्थिक सलाहकार अब राजनीति सलाहकार बन गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं गहलोत के यहाँ राजनीतिक सलाहकार का अभाव है, लेकिन गहलोत के लिए एक पायलट भी काफी है। इसके अलावा भी पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया लगातार पायलट के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं। खैर ये अलग बात है कि ये बयानबाजी किस मंशा के साथ कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया। पायलट का नाम लेते हुए कटारिया ने कहा कि पायलट को मुख्यमंत्री गहलोत ने दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया और पायलट को गहलोत ने नकारा निकम्मा बोलते हुए ऐसा मैंने किया था। मरुधरा में कांग्रेस पार्टी मरी हुई थी, पायलट ही थे जिसने पार्टी को संजीवनी देकर जीवित किया। आइए सुनाते हैं हमारे इन साहब ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। कि उनको दुखता कहीं है और बताते कहीं। मैंने सोचता कि जो तुम्हारा विरोध कर रहा है वो तुम्हारी पार्टी का अध्यक्ष रहा है ना, तुम्हारा उप मुख्यमंत्री रहा है ना, जिसके कारण से तुम 21 से सरकार बनाने लायक बने थे ना, वो आदमी उस समय तो योग्य था और आज राज मिलने के बाद वो अयोग्य हो गया और उसको आपने मक्की की तरह से निकाल के फेंका है, तो पार्टी में तो टूटन और ये उखाड़ तो होगा। हमारे कारण थोड़ी, हमने थोड़ी कहा कि तुम इसको निकाल के फेंक देना और कहना तू निकम्मा है, नीच है, इतना है, बीटा है, मैंने कहा था क्या? वो तो अपने आप गए, एक होटल में बंद है वो इसी होटल में मिल गया। तो हम भी एक राजनीतिक पार्टी बनाते, नाटक तो देखते रहेंगे ना। मेरे हिसाब से हम सपोर्ट करते तो अब तक गुंडा ही कर देते। पसंद नहीं आ रहा है जिस प्रकार की उसकी उसके साथ व्यवहार हो रहा है। कोई भी आप जो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है उससे भी ईमानदारी से पूछो कि जिस पार्टी ने तुम्हारी मरी पार्टी को जिंदा किया था वो इतना अयोग्य है कि उसको एक कोने में फेंको और उसके लिए निकम्मा को अंग्रेजी बोलता है वैसा करता है, ये शब्द बोलने लायक है? पड़ोस में रहना, एक बार पहले उनके घर वाले तो एक कर दें, उनके कई बड़े बुजुर्ग बाहर बैठे हुए हैं ना, पहले वो तो अपना काम कर ले फिर हम पड़ोसी करते हैं। वही हमारे इन साहब ने पायलट के पक्ष में बयान दिया। जाहिर तौर पर इस प्रकार से राय ठनी हुई है उसमें लगातार विपक्षी पार्टी के पड़ोसी मजे लेने के साथ साथ तंज कस रहे हैं। फोन टेपिंग को लेकर सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच ट्विटर वार भी चल रहा है। दोनों ही नेता चिड़िया के ठिकाने से हमला बोल रहे हैं। जिस प्रकार से मरुधरा में अदावत का दौर चल रहा है उसका क्या अंजाम होगा उसके बारे में तो गूगल बाबा के साथ साथ सियासी पंडितों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। बहरहाल मरुधरा की सियासत की तस्वीर कैसी होगी इसे देखना भी दिलचस्प होगा। मरुधरा की सियासी खबरों पर न्यूज 20 इंडिया की पैनी नजर बनी हुई है। सबसे बड़ी और सबसे पहले खबर आप तक, तब तक देखते रहिए न्यूज 20 इंडिया। नमस्कार।